जो है प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अपना चेयर छोड़ने के लिए तैयार हो गया कि आइए आजम खान मेरे चेयर पे बैठिए। जब ये जेल में थे तो उस वक्त आजम खान का ये आरोप है और आजम खान नाराज भी चल रहे थे। ज्योति, रामपुर के उस जमीन पर जब चलेंगे ज्योति तो आपको फक्र महसूस होगा। आजम खान को दरकिनार करना, आजम खान को साइड करना। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि अब आजम खान की जगह उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान उनकी कमान संभालेंगे। तो क्या लगता है कि 2024 में सद्दाम इनकी जीत होगी या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से कई सालों से जो आजम खान ने अपना वहां पर जो पेच बना रखी है, जब भी वो चुनाव लड़ते थे और वहाँ पर जीत हासिल होती थी, हालांकि पिछले विधानसभा में ऐसा नहीं हो पाया, तो क्या लगता है कि अब उनके बेटे के आने से कुछ बड़ा और कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए ज्योति, वजह साफ़ है। अगर अखिलेश यादव अगर युवा चेहरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छी खबर है, लेकिन एक चीज़ तो होता है कि अगर आजम खान को अभ्यास है, राजनीति का धुरंधर माना जाता है, ज़मीन से लेकर सड़क से लेकर संसद तक वो लड़ने का काम करते हैं, और उनके पास जो तजुर्बा है राजनीति का वो अभी अब्दुल्ला आजम के पास नहीं है। भले ही अखिलेश यादव उनको युवा चेहरे के तौर पर अगर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कमान और उनको जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अगर वो अच्छे से निभाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आजम खान को दरकिनार करना, आजम खान को साइड करना, तो ये उनकी विरासत को जो रामपुर में उनकी जनता ने उनको दिया है, जो रामपुर आजम खान की तूती बोला करती है, उस आजम खान को अगर समाजवादी पार्टी में आप दरकिनार करेंगे और समाजवादी पार्टी में उनको जगह नहीं देंगे तो ये भी कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच है, और इसको लेकर सोचा जाना चाहिए। चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, शिवपाल यादव हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर अब्दुल्ला आजम को जगह मिली है तो वो ख़राब है। युवा चेहरा को आप बढ़ाना चाह रहे हैं और युवा के बीच में कुछ संदेश लेके जाते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन आजम खान का जिक्र इसलिए भी होता रहा है क्योंकि उन्होंने अली जौहर यूनिवर्सिटी दिया रामपुर में। उन्होंने अगर आप रामपुर के उस ज़मीन पर जब चलेंगे ज्योति तो आपको फ़ख्र महसूस होगा कि हम रामपुर में चल रहे हैं। ऐसा लगेगा कि यहाँ पर काम हुआ है, यहाँ पर सड़क और नाले बने हैं, यहाँ पर लगेगा कि यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर लगेगा कि साफ़ और सफाई है, यहाँ रामपुर में लगेगा कि आपको मतलब कहीं ना कहीं आजम खान ने काम किया। लेकिन जब चुनाव होता है लोकसभा का, आजम खान की सदस्यता जाती है और बाद में जो है विधानसभा की भी सदस्यता चली जाती है, इसलिए कि उन पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं। ठीक है, वो कोर्ट का काम है, कोर्ट का क्या रुख होता है उस पर हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें होती है, जो भारतीय जनता पार्टी उनको जिस तरह से जो है शिकस्त दिया रामपुर में, अब देखिए वहाँ पर जो है किस तरह से जो है उनके किलों को ध्वस्त किया है। रामपुर में जो आजम खान की किला था उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुंह से छीना है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक गलत संदेश है। लेकिन मुझे लगता है कि आजम खान इसलिए भी नाराज़ चल रहे थे, ऐसा मुझे लगता है। मैंने कई रिपोर्ट पढ़ी, हमने इंडिया टुडे की रिपोर्ट पढ़ी, हमने बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ी, जब ये जेल में थे तो उस वक्त आजम खान का ये आरोप है और आजम खान नाराज़ भी चल रहे थे ज्योति, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, तो हो सकता है कि इस वजह से भी वो कन्नी काटते हो। बीच में ये भी खबर आई कि वो कई पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस के नेता भी उनसे मिले, MIM के पार्टी से भी ऑफर मिला, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से जो है प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने अपना चेयर छोड़ने के लिए तैयार हो गया कि आइए आजम खान मेरे चेयर पे बैठिए, यानी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की तैयारी होने लगी। तो लेकिन जो चीज़ें उस वक्त हुआ, जो अब हो रहा है, जो कमान सौंपी जा रही है राजनीतिक तौर पर, ये बड़ा संदेश है। हो सकता है अखिलेश यादव युवा चेहरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है अब्दुल्ला आजम को अब फ्रंट पे खड़े करने की बात हो रही है, हालांकि उन पर भी इतने मुकदमे दर्ज है। सौरा से वो विधायक थे, उन पर मुकदमा हुआ, कई सारे चीज़ें हुई, इल्ज़ाम लगे, ये भी इल्ज़ाम लगे कि जब वोटिंग हो रही थी तो वहाँ पर जो है उनको किस तरह से मुसलमानों को जो है वहाँ पर वोट डालने नहीं दिया गया, तो ये भी इल्ज़ाम है। और जो भी चीज़ें हुई ये जो है इस सवाल को लेकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या आजम खान को अखिलेश यादव साइड कर रहे हैं या युवा चेहरा अब्दुल्ला आजम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और बड़ी जिम्मेदारी अगर मिला है, क्योंकि जेल से जब बाहर आए थे तो सबसे पहले सौरा से विधायक अब्दुल्ला आजम आए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए, फफकते हुए उन्होंने कई सारे सवाल किए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे पापा ने, यानी वो आप लोगों के लिए संदेश भेजा है, आप लोगों के लिए वो पैगाम भेजा है कि आप लोग अमन, शांति, सुखचैन बना के रखिए, रामपुर उनका एक गढ़ माना जाता है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।